हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। अज दी पहली वड्डी खबर है, पंजाब दे विच पराली साड़न दा टुट्टिआ रिकॉर्ड, अंकड़िआं ने कर दित्ता सब नूं हैरान। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि इस साल 74,000 पराली साड़न दीआं घटनावां ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिता है। मारां दा मनना है कि रिकॉर्ड पराली साड़न दीआं घटनावां पिछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, किसानां विच खेती कानूनां नूं लैके रोह अते दूजा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों मुताबक किसानां नूं ढुकवीं वित्तीय सहायता ना देना। तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे विच रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाणा वल्लों जारी अंकड़िआं दे मुताबक सूबे अंदर 21 सितंबर तों लैके 14 नवंबर दरमियान 73,883 घटनावां दर्ज कीतियां गईयां ने, जो कि 2016 तो लैके हुण तक दीआं सब तो वध ने। दस दईए कि पंजाब दे विच रिमोट सेंसिंग सेंटर लुधियाणा साल 2016 तो पंजाब अंदर पराली साड़न दीआं घटनावां उत्ते सैटेलाइट के जरिए नज़र रखदा है। जेकर योग गल इह है कि सूबे के अंदर 74,000 पराली सांभण वालियां मशीनां वंडण ते 8,000 नोडल अफसर तैनात करन दे बावजूद पंजाब अंदर पराली साड़न दीआं घटनावां दा अंकड़ा 70,000 नूं पार कर गया। अगली खबर है, पंजाब दे किसान अंदोलन दा भारतीय फौज तक पहुंचिया सेक, केंद्र ते वधिया दबाव। तां दोस्तों पंजाब दे विच किसान अंदोलन दे चलदिआं रेलवे ने माल गड्डियां अते यात्री गड्डियां रद्द कीतियां होईयां ने। रेलां रद्द होण दे चलदिआं फौज तक लोड़ीदा समान भी नहीं पहुँच रिहा। सब तो ज़्यादा परेशानी जरूरी चीज़ों की सप्लाई नूं लैके हो रही है। हुण फौज तक यह समान पहुँचाउण दे लई सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दे नाल ही केंद्र सरकार उपर हालात नूं सही करन लई दबाव वध रहा है। अगली खबर है, पंजाब दे विच 2022 लई बीजेपी ने चली वड्डी सियासी चाल, दो तजर्बेकार दलित अते सिख आगुआं नूं सौंपी कमांड। तां दोस्तों मौजूदा हालातों नूं वेख के होए एक गल साफ है कि पंजाब दे विच बीजेपी पिछले कई सालों तो इकल्ले चोण लड़न का जो सुपना वेख रहे सन वह खेती कानूनों ने उन्होंने दे दिता। 9 मास तो बख हो चुकया अकाली दल बीजेपी का 3 दहाकों पुराना गठजोड़ टुट चुकया। पंजाब दीआं विधानसभा चोणां 2022 फरवरी विच होणियां ने, जाने कि इस हिसाब नाल सीधे सीधे 15 महीने बचे ने। बीजेपी ने हरियाणा दे विच एक सीट अते 2 बार लगातार सरकार बनाई है ते हुण पंजाब दे लई भी बीजेपी ने रणनीति तैयार की है ते उन्हां दो चेहरियां नूं अगे कीता जिन्हां दे पंजाब विच सब तो वध वोटर ने, ते एक दलित चेहरा ते दूजा सिख चेहरा। पंजाब बीजेपी मिशन 2022 दे लई 2 नवें प्रभावी नियुक्त किए ने। अगली खबर है, दिल्ली दे विच करोना दे कहर नूं वेख के अमित शाह ने मुड़ संभाली कमान, शाम नूं बुलाई मीटिंग। तां दोस्तों दिल्ली दे विच करोना वायरस दे मामले लगातार वधदे जा रहे ने, अजिहे दे विच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर तो सरगर्म हो गए ने। तुहानूं दस दईए उन्होंने हाई पावर कोआर्डीनेशन कमेटी की बैठक भी बुलाई है। यह अहम बैठक गृह मंत्रालय च होवेगी। इस बैठक दे विच केंद्रीय गृह सकत्तर तो इलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अते नीति कमीशन के मैंबर बीके पोल मौजूद रहेंगे। अगली खबर है, आसमानी बिजली डिगण नाल प्रवासी मजदूरों की मौत ते 3 होर जख्मी। तां दोस्तों जिला मानसा के पिंड मियाँ सिंह आसमानी बिजली डिगण कारण एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 होर गंभीर जख्मी ने। जख्मियों को मानसा के हस्पताल दे विच दाखिल भी करवाया गया। दस दईए कि पंजाब के कई जिलों में मौसम खराब होने कारण दिन विच हनेरे ते शाम हो गया। मोगा, बरनाला, मंडी, गोविंदगढ़, लुधियाना, चंडीगढ़ समेत होर कई जिलों के तेज़ हवा ते मीह पिया। अगली खबर है, उत्तर भारत के कई हिस्सों के मीह नाल गड़ेमारी, पंजाब का पारा भी डिग्या। तो दोस्तों दिवाली तो एक दिन पहला उत्तर भारत के मीह गड़ेमारी ते तेज़ हवावां चलण नाल पारा हेठा डिग्या सी। उस तो बाद अज पंजाब दे विच चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मीह के तेज़ हवावां चलण देखण नूं मिलियां। पंजाब ते हरियाणा के कई हिस्सों में गड़ेमारी भी हुई जिसने घट्टो घट तापमान 10 डिग्री सैलसीयस के गिरावट लियांदी है। अगली खबर है, भारत ते पाकिस्तान विचाले मुड़ टकरा, हाई कमिशन का अधिकारी तलब। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि भारत सरकार ने LOC उपर पाकिस्तान वल्लों सीज़ फायर की उलंघना के मामले ते सख्त रुख अपना लिया।
मामले की गंभीरता वेखते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमिशन के अधिकारी तलब करके अपना विरोध जताया। भारत ने पाकिस्तानी कार्रवाइयों की सख्त निगेधी की। भारत ने कहा कि बेकसूर नागरिकों से फायरिंग का बेहद दुख है। अगली खबर है, स्पूतनिक 5 टीके की पहली खेप अगले हफ्ते कानपुर पुजन की संभावना। तो दोस्तों, कोरोना की रोकथाम के लिए रूस ने स्पूतनिक 5 टीके की खेप अगले हफ्ते कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज पुज जाएगी। एक अधिकारित जानकारी के अनुसार दूजे और तीजे पड़ा का मनुखी क्लीनिकल ट्रायल डॉक्टर रेड्डी जी प्रयोगशाला के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को मंजूरी मिलने तो बाद किया जाएगा। अगली खबर है, देश के विच कोरोना के मामले 88 लाख तो टपे। तो दोस्तों, भारत के विच कोरोना वायरस के केसों की गिनती 88,14,579 हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी किए अंकड़ों के अनुसार 24 घंटों के 41,100 नवे केस सामने आए ने, तो जिन्हों के 447 लोगों की मौत हुई है, जिस तो बाद देश विच मरन वालों की गिनती 1,29,635 हो गई है। अगली खबर है, पंचकूला के सकेतड़ी विच अग नाल 200 झुग्गियां सड़ के सुआह। तो दोस्तों, माता मनसा देवी कोल सकेतड़ी इलाके विच मजदूर कलोनी विच अग लगन दे नाल 200 झुग्गियां सड़ के सुआह हो गई ने। अग लगन का कारण पता नहीं लग्या। फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां देरी नाल आउण कारण लोकां दे विच गुस्सा सी। लोकां दा कहना है कि फायर ब्रिगेड कई बार फोन करन दे बावजूद गड्डियां 1.5 घंटा देर लेट आईयां ने। फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां पुज्जन तक सारा काम फड़ के सुआह हो गया सी। अगली खबर है, आसियन चीन सने 15 देशों विचाले विश्व का सब तो बड़ा व्यापारक समझौता। तो दोस्तों, चीन अते 14 होर देशों दुनिया का सब तो बड़ा व्यापारक समूह बनाने के लिए सहमति जताई है, जिस दे पिछ एक तिहाई आर्थिक गतिविधि शामिल होनी है। एशिया के बहुत सारे देशों को उम्मीद है कि इस समझौते नाल कोरोना महामारी कारण पैदा हुई आर्थिक मदहाली नू जल्दी ही ठीक करन दे विच सहायता मिलेगी। अगली खबर है, दिल्ली विच पटाके बैन बारे दावियां दी निकली हवा। 4 सालां दे गंभीर पद्धर उत्ते AQI। तो दोस्तों, दिवाली मौके दिल्ली दे आस पास दे इलाकां विच पटाके चलाउण ते लाई रोक ने लोकां दे विच घट ही प्रवाह देखण नू मिली। इस कारण दिल्ली विच हवा प्रदूषण दा पद्धर गंभीर श्रेणी विच 414 तक पहुँच गया। हालांकि दोपहर तो बाद हल्की बारिश हो सकती है, जिस करके स्थिति थोड़ा सुधार विच होण दी उम्मीद है। तुहानूं दस दईए, इस दे नाल ही हवा दा रुख दक्षण तो पूर्व दिशा वल मुड़न दी उम्मीद है, जिस करके पराली साड़न नाल उड्डे धुएं दे प्रभाव तो शहर नूं थोड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर है, गोल्ड नूं लैके मोदी सरकार लिया रही है नवां कानून, इस दिन तो होवेगा लागू। तो दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि केंद्र दी मोदी सरकार अगले साल पूरे देश विच गोल्ड हॉल मार्किंग नियमां विच लागू करन जा रही है। इस साल जनवरी विच केंद्र सरकार ने सोने दे गहनियां विच हॉल मार्किंग लाजमी करन दा फैसला कीता सी। ते तुहानूं दस दईए कि हुण पूरे देश विच 1 जून 2021 तो सोने दी हॉल मार्किंग लाजमी हो जाएगी। हुण जौहरी आम खपतकारां नूं धोखा नहीं दे सकनगे, क्योंकि इस दे नाल ही देश विच नवां खपतकार सुरक्षा एक्ट 2019 भी लागू हो जाएगा। यह नवा नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा। तो दोस्तों, ये अज सवेर दी मुख्य ते ताज़ा खबर। तुसीं वीडियो नूं अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो, तो साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ, जिस नाल तुहानूं इस तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं ते ताज़ा खबरां दा सब तो पहला पता लगता रहेगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आ किसी नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई धन्नवाद।